अस्सलाम वालेकुम। हाय, समीना द केक हाउस की दुनिया में आप सबका स्वागत है। लवली पीपल, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिन बाद आपके लिए कुछ न्यू कस्टमाइज केक लेकर आई हूँ, एनिवर्सरी वाला। और आप इसको लास्ट तक देखिए तो आपको इसके सब डिज़ाइन, गार्निशिंग और फिलिंग सब समझ में आएगी। तो हमने सबसे पहले ये होम बेस जो बना के है, रेड वेलवेट में स्पॉन्ज लिया है, ये एग वाला है। अगर आपको चाहिए ये इसकी रेसिपी तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसकी लिंक शेयर करूँगी। ये हमने होममेड बनाया है और एग वाला है ये। अब हम इसके पार्ट कर रहे हैं, आपको जितने पार्ट करने हैं उस हिसाब से कीजिए। मैंने इसके 3 पार्ट्स अलग करके लिए है और फिर मैं एक बेस ली हूँ, उस पर थोड़ा सा व्हिप क्रीम लगा के ले रही हूँ ताकि ये जो हम ऑर्डर केक है या इजीली आराम से सेट हो जाएगा उस पर, और उसे ना दिक्कत होगी कोई डिलीवरी में, इसलिए हम थोड़ा बेस पे हमेशा क्रीम लगाते हैं। फिर फर्स्ट पार्ट स्पॉन्ज लिया है, उस पर हमने आइसिंग की है फर्स्ट, फिर हमने जो है चीज़ का जो फिलिंग बनाई थी वो सब हमने डाली है। आपको रेडीमेड भी ऐसा चीज़ मिलता है, स्प्रेड चीज़, आप वो यूज़ कीजिए या फिर होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये इस तरीके से चीज़ को फिलिंग डाली है, फिर सेकंड स्पॉन्ज रखा है, फिर अगेन हमने आइसिंग डाली है और पैलेट से हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर रहे हैं। एक लेवल में करना है, आपको ये सब बातों का ध्यान रखना है। कस्टमर को अगर ज़्यादा क्रीम पसंद है तो ज़्यादा डालिए या फिर स्पॉन्ज उस हिसाब से रखिए। अब मैंने स्टेप बाय स्टेप वही करते हुए फर्स्ट लेयर पे आइसिंग, फिर जो है चीज़ स्प्रेड वाला, फिर आइसिंग, ऐसे करते हुए हमने 3 पार्ट्स को पूरा कवर कर लिया है। और फिर अब हमारा जो लास्ट पार्ट होगा वो भी इसी तरीके से हम चीज़ की फिलिंग डालने के बाद अगेन रखने वाले हैं। अब चीज़ केक में भी बहुत सारी वैरायटी निकली है, विथ मैंगो फ्रूट्स में, जैसे स्ट्रॉबेरी, आप उसमें जो भी है इन्वेंशन कर सकते हैं। ये प्लेन चीज़ वाला है, स्प्रेड वाला, तो हमने सिर्फ ओनली चीज़ क्रीम यूज़ किया है। और फिर अब हम पूरे स्पॉन्ज को आइसिंग लगा के पैलेट से पूरा कवर करने वाले हैं। आपके जो स्पॉन्ज के एजेस है वो पूरा कवर होना चाहिए आइसिंग में, तो आपका केक डिज़ाइन और फिनिशिंग जो उसकी आप आइसिंग करोगे वो बहुत ही अच्छे से दिखेगी। तो आपको पैलेट को हमेशा इस तरीके से साइड के कॉर्नर्स को स्टैंड करके आइसिंग को लगाना है और आपको इसमें पेशेंस रखना है। जब जितने बार आप उसको पैलेट को क्लीन करोगे और आइसिंग लगाओगे और रिमूव करोगे साइड के एजेस, उतना आपका केक अच्छे से डिज़ाइन में, फिनिशिंग में बनेगा। ये नोट कीजिए आप, अगर आप उतना फिनिशिंग नहीं दे पाओगे तो आपका केक उतना अच्छा नहीं दिखेगा। अब मुझे हैबिट हुई है, मैं ये कम से कम 8 महीने से बना रही हूँ तो मेरी स्पीड भी बढ़ गई है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी भी स्पीड बढ़ेगी, बट मेहनत है, आप मेहनत करोगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। मैं हमेशा हिम्मत नहीं हारती हूँ, मैं जो भी करती हूँ देख देख के, आइडिया लेके, कुछ सोच के उस हिसाब से करती हूँ। तो आप भी इस तरीके से करते हैं। मैंने अब ये कस्टमाइज केक, ये चौथा वाला बनाई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 कस्टमाइज केक हुए और हमारे कस्टमर को बहुत अच्छे लगे। अब देखिए, पूरे आइसिंग के बाद हमने जो है ओरिजिनल रोज़ लिया है। आप चाहिए तो आइसिंग से भी नोजल का जो बिग वाला साइज रोज़ वाला यूज़ करके रोज़ बना के उस पर कलर दे सकते हैं, बट अभी जो ट्रेंडिंग में चला है ये रोज़ के साथ में जो फ्लावर्स स्मॉल वाले चमेलियन आते हैं वो हमने डाले हैं और उसको डिज़ाइन की है। तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, आपको ये मार्केट में इजीली रोज़ भी मिलेगा और उसके साथ जो फ्लावर्स होते हैं ये बुफे वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। तो आजकल ये केक पर बहुत ही ट्रेंडिंग में चला है, डिमांडिंग में है, ये कस्टमाइज केक है तो हमें ये लाना ही था, हमने मार्केट से ढूंढ के लेकर आए हैं। और जो बिफोर फोटो था जो कस्टमाइज, मैं आपको वो भी फोटो शेयर करूँगी। उसमें थोड़ा जो है रेड वेलवेट वाला जो था रोज था और ये थोड़ा पिंकिश है, लेकिन केक हमारा अच्छा बना है। अब हम देखिए, इसके बाद जो है रिबिन हमने साइज में, केक का साइज लेकर उसी साइज में कटिंग की है और अब हम जो है बराबर से उसको लगा दी है नीचे बॉर्डर में। फिर अब हम जो है हार्ट्स वाले स्मॉल वाले शुगर के ये जो है गार्निशिंग डिज़ाइन है वो लगा रहे हैं। ये रेड वाइट एंड पिंक कलर में थे तो हमने ये सबको मिडल में अलग अलग तरीके से लगा के लिया है। अब हम ये चॉकलेट का जो है हमने कपल डिज़ाइन जो है बनाया है वो भी लगा दिया है टॉपर पे, और आप चाहिए तो प्लास्टिक का भी टॉपर यूज़ कर सकते हैं, बट हमने ये चॉकलेट का टॉपर बनाया है। ये रेडीमेड मोल्ड्स आते हैं, आप उसमें चॉकलेट सेट कर सकते हैं इस तरीके से। फिर हमने लव जो कपल के लिए है, ऑब्वियसली ये लव
सिग्नेचर होती है, तो हमने वो अल्फाबेट भी चॉकलेट का बना के लिया है और वो भी सेट किया है। और देखिए लगभग हमारा केक तो रेडी हो गया है और लग रहा है ना बहुत ही ब्यूटीफुल, और जो कस्टमाइज था हमने उसी तरीके से बनाने की कोशिश की है। हालांकि लॉकडाउन चला है बट फिर भी मैंने जहां जहां मिला मुझे पॉसिबल हुआ उस तरीके से मटेरियल लाई हूं, इंग्रेडिएंट्स, और बनाने की कोशिश की हूं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए, और जो न्यू है वो सब्सक्राइबर मुझे याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को देखने के बाद ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपका लाइक यानि मुझे एक उम्मीद देता है, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। स्टे सेफ, और आई होप आपको ये मेरा केक जो है कस्टमाइज वाला ज़रूर अच्छा लगा होगा। देखिए ये नीचे वाली जो है वो बिफोर जो कस्टमाइज थी, और हमने ये आफ्टर वाली पिक बनाई है केक की, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, लाइक करने ना भूलिएगा, और सेफ रहिए, लॉकडाउन इन्जॉय कीजिए, घर में सेफ रह के, बाय, टेक केयर।